हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश बसीन पे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आपके लिए एक स्टॉक लेकर आया हूँ, एक पीएसयू बैंक लेकर आया हूँ, कैनरा बैंक, जो कि 2 हफ्ते के अगर अगर आप माल उठा लेते हैं, अगर आप सिर्फ 2 हफ्ते के लिए कैनरा बैंक को भी उठा के चलते हैं, तो डेफिनेटली एक ये रॉकेट बन सकता है और आप डेफिनेटली अच्छा पैसा कमा सकते हैं। गाइस, इसी के साथ मैं और बैंक्स लेकर आने वाला हूँ और ऐसे स्टॉक्स लेकर आने वाला हूँ, आज या कल के अंदर सब अपलोड हो जाएंगे गाइस, कि उन पे पर्टिकुलरली ब्रेकआउट देखने को मिला है। और साइड बाय साइड अगर हम बात करें तो पीएसयू बैंक और जो इंडेक्स है उस पे भी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलने वाला है, प्रोबेबली कल परसों तक वो ब्रेकआउट भी आ सकता है। सो इस चैनल के साथ स्टे ट्यून रहिए गाइस, और अभी चैनल के साथ बने रहने के लिए नीचे लाल कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो वो सब्सक्राइब का बटन दबा के साइड में बेल भी दिख रहा होगा, बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे होगा ये गाइस कि आप लोग हमारी जो अपकमिंग वीडियोस आने वाली हैं वो सारी देख पाएंगे और सारे स्टॉक्स पे बहुत अच्छे से रिटर्न कमा पाएंगे। सो गाइस, इसी के साथ हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, पहला पीएसयू बैंक जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो है कैनरा बैंक, और कैनरा बैंक पे मैं चार्ट्स पे आपको लेकर जाऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या बन रहा है, कोई ब्रेकआउट हुआ है और क्या लेवल्स और क्या स्टॉप लॉसेस हैं जो आप मेंटेन करके रख सकते हैं कैनरा बैंक के अंदर। और उसके बाद हम देखेंगे कि अगले और कौन से पीएसयू बैंक हैं अगले वीडियोज पे अपकमिंग। सो गाइज, हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ और चार्ट्स पे जाके स्टडी करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेली चार्ट ओपन है कैनरा बैंक के अंदर, और आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से ये ब्रेकआउट आया है। और आप जैसे कि आप देख सकते हैं, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइज, ये मैं 19 नवंबर को बना रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ब्रेकआउट देखने को, कितनी बढ़िया कैंडल बनी है ये एक तरीके से, और बहुत बढ़िया कैंडल है अगर हम इसे मान के चल रहे तो, एक मारुबुजू कैंडल भी एक तरीके से बनी हुई है बुलिश। सो गाइज, अब किस तरीके से इसमें ट्रेड लेना है, क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, क्या ब्रेकआउट हुआ है अगर कोई पैटर्न बना है, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉसेस है, सारी बात हम स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम, मैं आपके लिए एक पैटर्न ड्रॉ करने वाला हूं और वो आप देखिएगा कि क्या पैटर्न बना है। तो जैसे कि हम आपके लिए सबसे पहला एक पैटर्न ड्रॉ करने वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर्टिकुलर लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर लेवल से हमने देखा है इस लेवल तक एक ड्रॉप आया, तो हम इस लेवल तक एक ड्रॉप पे एक लाइन बना देते हैं और ऊपर की तरफ ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नीचे की तरफ ड्रॉप आया, और नीचे की तरफ ड्रॉप कहाँ तक आया, ये जो कैंडल देख रहे हैं इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल के लो तक मैंने ये बना दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि मैंने इसके हाई को टेस्ट कर लिया, फिर हम देखते हैं ये स्टॉक नीचे जाता है, और नीचे जाने के बाद एग्जैक्ट फिर हम देखते हैं कि ये ऊपर की तरफ आता है। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको पता चल गया होगा कि मैंने कौन सा पैटर्न बनाया है, ये पर्टिकुलरली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है गाइस, और बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आप देख सकते हैं कि किस बढ़िया तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3.5 से 4% आज इंडेक्स पीएसयू बैंक बढ़ा है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिला है कैनरा बैंक के अंदर। बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, आप देख सकते हैं यहाँ लेफ्ट शोल्डर बना है, हेड बना और सेकेंड राइट शोल्डर बना, और राइट शोल्डर के बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं एक और लाइन हम आपके लिए ड्रॉ करते हैं, और उस पर आप चेक करिएगा कि आपको क्या दिख रहा है। सो गाइस, आप ये देख सकते हैं एक छोटा सा इसने गैप डाउन ओपनिंग दी थी ये लेवल पे, कौन से लेवल पे, हम देखते थे कि 217 से, अगर आप 217 भी छोड़ दीजिए, आप ये देखिए यहाँ पर इसकी क्लोजिंग थी इस लेवल पे, एग्जैक्ट इस लेवल पे इसकी 220 पे इसकी क्लोजिंग थी, ये वाली जो कैंडल मैं आपके लिए बना रहा हूँ, और 220 से ये ओपन कहाँ पर हुआ, 213 पे, यानी कि 220 से 213 7 रुपये की इसमें गिरावट देखने को मिली थी हमें इसमें। सो मैं यहाँ से एक चैनल ड्रॉ करता हूँ और आप वो देखिएगा कि किस तरीके से बन रहा है। सो आप देख सकते हैं ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, मैं आपके लिए दोबारा ये लाइन जी, अब आप ये देख सकते हैं कि लाइन मैंने आपके लिए ड्रॉ करी है, और एक बॉटम की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो गैप अप हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। तो आपको एक चीज और पता चलेगी कि मैं आपको इसमें क्या पर्टिकुलरली चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ जी गाइस। सो अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बात हमने देखा कि एक हेड एंड शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर का ये जो लाइन मैंने आपके लिए ड्रॉ करी है, एग्जैक्ट ये लाइन, और एग्जैक्ट हम देखते हैं कि जो राइट शोल्डर है उसका ब्रेकआउट देखने को मिला, जो कि लेवल था 215 का लेवल, एग्जैक्ट हम देख रहे हैं कि 215 के लेवल से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। दूसरी बात,
हम देख रहे थे ये जो गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, ये गैप डाउन ओपनिंग एक छोटा सा माइनर रेजिस्टेंस का काम कर सकती थी और माइनर से रेजिस्टेंस को भी इसने तोड़ दिया। पहली बात तो हम गैप डाउन ओपनिंग इसको मानेंगे, ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है जो शेडो है, शेडो से लेकर ये लेवल तक। पर मैं आपके लिए और जो ओपन है वो मैं ज़्यादा रेंज बढ़ा देता हूँ आपको दिखाने के लिए कि कितनी अच्छे तरीके से ये जो गैप है पूरे गैप को आज इसने फिल करा और उसके ऊपर जाके इसने बंद करा है। देख पा रहे हैं मतलब ये जो छोटा सा माइनर रेजिस्टेंस का गैप था, ये चैनल था, रेजिस्टेंस चैनल था, उसको भी इसने ब्रेक करा और उसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। गाइस अब हमें किस तरीके से उस पर ट्रेड लेना है क्या चीज़ें हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसकी जो क्लोजिंग है 222 रुपये के अराउंड हमें इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है, बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। मैं कह सकता हूँ कि शायद कल ओपन हो तो और तेज़ी से ही ऊपर बढ़े, बट आपको मैं सलाह ये दूंगा कि अगर आपको ये 217 ये जो आप देखते हैं ये जो शैडो देख रहे हैं वाली कैंडल की, अगर आपको ये 217 के आसपास मिलता है या फिर आपको ये 217 से 220 ये 3 रुपये की रेंज बता रहा हूँ, 217 से 220 रुपये के अगर आपको आसपास मिलता है कैनरा बैंक तो आप दोबारा बाय करिए और आपको जो टारगेट्स हैं वो स्टॉप लॉसेस हैं वो मैं अब आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुली इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न साइड बाय साइड जो एक इसका रेजिस्टेंस का इतनी बड़ी कैंडल जो थी, इतनी बड़ी आप कैंडल देख सकते हैं, इसका जो एक रेजिस्टेंस टॉप रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करा साइड बाय साइड, हेड एंड शोल्डर को ब्रेक करा साइड बाय साइड, जो एक गैप डाउन ओपनिंग दी थी, जो गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद उसने ऊपर की तरफ तोड़ा तो उसको भी ब्रेकआउट कर दिया है। सो बहुत बढ़िया काउंटर है और 2 हफ्ते के लिए अगर आप इसे होल्ड करेंगे तो बेस्ट टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। अब गाइस टारगेट कैसे फाइंड करना है अब उसके बारे में बात करेंगे, तो मैं इसे थोड़ा साइड कर देता हूँ और अब आपको हम सबसे पहले हेड एंड शोल्डर के टारगेट आपको फाइंड कराना बताते हैं कि कैसे हेड एंड शोल्डर के टारगेट्स फाइंड करे जाते हैं। सो गाइस जो शोल्डर होते हैं, जो शोल्डर की जो लेंथ होती है ना गाइस, जब वो पर्टिकुलर उस तरीके से ब्रेकआउट देता है तो उतनी ही लेंथ में वो ऊपर जाता है। यानी कि अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इस शोल्डर की बात करते हैं, तो इस शोल्डर का जो हाई है वो हाई क्या है 214 का, और इस शोल्डर का लो क्या है वो लो लेवल ये है, ये वाली जो कैंडल की इसकी जो विक है इसकी लो है 187 और 214। तो अगर हम मान के चले इसने लगभग हम मान के चलते हैं कि सबसे पहला 13 और प्लस 17 30 रुपये तक की इसने एक मूवमेंट दी है। अब हम इस शोल्डर की बात करते हैं, इस शोल्डर का लो है 193 और इसने जो ब्रेकआउट दिया है वो ब्रेकआउट दिया है अपने इस लेवल पे 216, तो 193 यानी कि 7 रुपये और 16 रुपये इक्वल्स टू हो गए हम मान के चलते हैं 23 रुपये। तो 23 रुपये और 30 रुपये यानी कि ये जो लेवल का ब्रेकआउट दिया है 216 का, जो लेवल का ब्रेकआउट दिया है 216 से, वो पर्टिकुलरली 20 रुपये से 30 रुपये तक बढ़ने की इसकी कैपेसिटी है। यानी कि ये 216 से 236 यानी कि 216 से ये 236 और 246 तक इसकी जाने की कैपेसिटी है। हाँ गाइस ये इतनी ऊपर तक जा सकता है जिस तरीके से ब्रेकआउट इसने दिया है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलरली हेड एंड शोल्डर्स बनते हैं, हेड एंड शोल्डर के जो शोल्डर्स होते हैं उनका हम एक डिफरेंट उसका एक पॉइंट लेते हैं, उसका एक ब्रेकआउट देखते हैं। तो सबसे पहला टारगेट मैं आपको बताना चाहूँगा जो डिफरेंस है वो, जैसे अगर हम मान के चले कि एक एज्यूम कर लेते हैं 22 रुपये का एक डिफरेंस है, तो 11 रुपये तो ये 2 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर चले जाएगा। आप ये 214 से लेकर 225 तक तो ये आराम से चले जाएगा, जो कि आज इसने फुलफिल कर दिया। और मैं आप लोगों के लिए बीच में वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि गाइज इन लोगों को कैच करने के लिए, इन लोगों को PSQ बैंक में हर एक एक मिनट में जो नए नए इंट्राडे हाइज बन रहे थे गाइज, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था इन लोगों को कैच करने के लिए और पकड़ने के लिए कि मैं आपके लिए वीडियो जल्दी नहीं बना पाया था, और मार्केट मुझे नहीं पता था कि ये किस टाइम में क्लोजिंग देती। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से कम से कम ये 225 से लेके 227 जो ये 1-2 दिन के अंदर अंदर बना सकता है वो तो है ही, पर नेक्स्ट टारगेट जो है वो 236 से लेकर 246 तक है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि वो कहाँ तक जा सकता है, तो उसके लिए मैं अब आपके लिए एक स्ट्रेटजी वो बना देता हूँ कि आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको सलाह क्या दिया, आपको इस लेवल पर जाके बाय करना है, ये लेवल है 216, आपको 1 रुपये और ऊपर ले लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 217 पर आपको बाय करना है, तो 217 पे आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए एक सेकेंड वेट करिए, मैं इसे इस लेवल तक ले आता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैं आपको क्या बता रहा हूँ जी गाइस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक लेवल बना दिया है, और अब आप देखिएगा कि मैं आपको टारगेट्स क्या बता रहा हूँ।
तो वह हम टारगेट्स की सबसे पहले बात करते हुए चलेंगे। मैं एक सेकेंड इसे दोबारा हटा देता हूँ क्योंकि मैंने ये दूसरा वाला चूज़ कर लिया है जी गाइस। तो अभी हम आपको इसके टारगेट बताते हैं, उससे पहले मैं एक और स्ट्रैडल चुन कर लेता हूँ लॉन्ग के लिए और उसके बाद हम उस पर बढ़ते हैं। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस लेवल से बनाया था और अब हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या तरीके से, मैं आपको बता रहा था कि क्या टारगेट है और क्या स्टॉप लॉसेस हैं, वो मैं आपको क्लियरली इस पर बता सकता हूँ। तो अब आप देखिएगा कि मेरे आपको टारगेट सबसे पहले क्या बताया गाइस, जो मेरा पहला टारगेट था वो था 236 से लेके 246 तक का, ठीक है गाइस। अब हम सबसे पहले इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे जो कि है ये लेवल, हम मिड पॉइंट चूज कर लेते हैं और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा। स्टॉप लॉस को बस मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ 205 या सो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक ये आपके लिए एक बना के रखा हुआ है, तो आप जो ये रेड लाइन देख रहे हैं, जो रेड बॉक्स देख रहे हैं, ये रेड बॉक्स हमारा एक स्टॉप लॉस है और आप जो ये ग्रीन बॉक्स देख रहे हैं, ये ग्रीन बॉक्स हमारा पूरा टारगेट है। अब आपको बीच में एक पूरे ग्रीन और रेड बॉक्स के बीच में आपको एक ब्लैक कलर की लाइन दिख रही होगी जो कि ये वाली लाइन है, ये लाइन हमारा एक बाय जोन है, यानी कि इस लाइन पे आपको बाय करना है। 217 पे आप बाय कर सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 205 का होगा और आपका जो टारगेट होगा वो आपका टारगेट 240, 236 और 246 का होगा। सो अगर आपको मैं बताता हूँ कि आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से दिख रहा है, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, वेट करिए जी गाइस। सो आप देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है कि मिनिमम टू मिनिमम 23 रुपये का आपका टारगेट है। आप यहाँ देख सकते हैं 23 रुपये का टारगेट दिखा रहा है, 11 रुपये का स्टॉप लॉस दिखा रहा है। तो यानी कि और अगर आप रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखा रहा है 2:1, यानी कि अगर 1 रुपये का स्टॉप लॉस है तो आपको वहां पर 2 रुपये 10 पैसे का प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है। तो अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करते हुए आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप 217 रुपये से बाय करते हैं तो आपको 5% का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा और 10% का मिनिमम टारगेट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ये दिखा सकता है कैनरा बैंक। तो इस तरीके से हमने आपके लिए बना रखा है कि आप देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया साइड बाय साइड, एक जो हमने गैप डाउन ओपनिंग दी थी जो मेजर रेजिस्टेंस था इसके लिए उसको ब्रेकआउट दे दिया और हमने देखा कि एक अपमूव आई है। सो बिल्कुल ये सिमिलर पैटर्न्स और भी तरीके से बने हैं पर्टिकुलर PSU बैंक्स के अंदर, वो उसके लिए भी पर्टिकुलरली मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, आज या कल तक आपके लिए वीडियो अपलोड हो जाएगी कि जो अब आगे के और बढ़ने के चांसेस हैं वो आप मिस ना कर पाओ। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए गाइस और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और कौन से स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके लिए भी पर्टिकुलर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। अभी मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली बैंकिंग सेक्टर के अंदर, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर मुझे लगता है कि एक अपमूव आने वाली है बहुत तेजी से। हो सकता है कि ये गाइस एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, पर जिस तरीके से मुझे देखने को मिल रहा है सारे बैंकों में और सारी चीज़ों में, मुझे नहीं लगता कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। सो हम होप करते हैं कि ये फॉल्स ब्रेकआउट ना हो और ऐसी हम अपमूव की तरफ बढ़ते रहे और हमें गिरावट देखने को ना ही मिले। सो गाइस इसी के साथ मैंने आपके लिए अच्छे से बना दिया है, आप देख सकते हैं एक बार मैं क्लियरली एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बुलिश ब्रेकआउट, गैप डाउन ओपनिंग, रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस रेंज का चैनल का ब्रेकआउट। अब आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस आपको इतना परसेंट का मेंटेन करना है और आपके टारगेट्स इतने हायर हैं, सो आपको 5-6 रुपये की भी डिप मिलती है तो तुरंत बाय करिएगा कैनरा बैंक को और आप रुक के बैठ जाइए। मुझे लगता है कि 2 से 2.5 हफ्ते के अंदर अंदर ये पर्टिकुलरली 217 रुपये का स्टॉक 240 या 235 तक जा सकता है। सो वेट एंड वॉच और क्लियरली मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली प्रॉफिट देकर ये जाएगा। बाइस मैं ये खुद भी मिस कर गया था, मैंने एंड टाइम में बहुत जल्दी जल्दी में इसे बाय करा और मैं बहुत जल्दी में इसे निकला हूँ। सो गाइस इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड गाइस और कमेंट सेक्शन को भरिए गाइस, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं जल्दी बताइए कौन से बैंकिंग स्टॉक के बारे में आपको जानना है, मैं तुरंत वो वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा जिसपे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे। अगर आप एक बंदा लिखता है यूको बैंक, दूसरा बंदा भी यूको बैंक लिखना चाहता है तो जिसने पहले बंदे ने यूको बैंक लिखा उसी कमेंट को लाइक कर दीजिए, जितने ज़्यादा एक पर्टिकुलर स्टॉक पर लाइक होंगे मैं तुरंत उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो गाइस जल्दी जाइए और वीडियो बनाइए, कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो पर होल्ड है तो जो भी आप मेनटेन करके रखिए तो मुझे जल्दी से जल्दी बताइए।
इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं, और ये महान पीएसयू बैंक आपके हाथ से ना निकले तो जल्दी इस वीडियो को देख के फैला दीजिए कि और लोगों के हाथ से भी ये ना निकले और लोग भी इसे बाय कर सकें। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। मैं शिवांश बसीन, साइनिंग ऑफ।